अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आप सबका एक बार स्वागत है जेड एन कुकिंग में। तो आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान और बहुत बेसिक और ड्राई फ्रूट वॉलनट से भरपूर एक केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, एक स्पॉन्ज की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप इसे एक बार बनाइए, खाइए। और ये एगलेस केक है, आप इसे क्रिसमस में एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना कि आपको मेरी ये रेसिपी केक वाली कैसी लगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या क्या चीज़ लिए हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस तरह से एक कुकर का जो डब्बा होता है नॉर्मली घर में, बस उसी में मैंने इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करके इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। हमें सबसे पहले ये प्रोसेस करनी चाहिए केक में। और उसके बाद मैंने यहाँ लिया है ये एक कप मैंने पाउडर शुगर ली है, जो इसमें नाप कर मैंने रख दिया है। कप मैंने आपको बताने के लिए लिया है, मैंने इसी कप से पूरा मेजरमेंट किया है। आप घर के कोई भी नॉर्मल कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है वाइट विनेगर है, और यहाँ मैंने यही कप है जो आधा कप है, आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल आप वो लीजिए जिसमें बिल्कुल कोई स्मेल ना होनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, एक कप भर के दूध लिया है, बस यही कप का मेजरमेंट है, इसी से मैंने नाप कर एक कप इसमें निकाल लिया है। और यहाँ मैंने बेकिंग सोडा लिया है, वेनिला एसेंस लिया है, इसकी जगह आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए है, मेरे पास बहुत थोड़े से ड्राई फ्रूट थे जिसे मैंने पूरे मिक्स कर कर इस तरह से कट करके और इसे मैंने रोस्ट करके डाला है। आप भी इसे रोस्ट करके डालना ताकि इसका फ्लेवर केक में जाकर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने कुछ चेरीज ली है, दो तीन चेरीज थी मेरी जिसे मैंने इस तरह से कट कर दिया है। और ये टूटी फूटी मेरी मिक्स वाली, और ये मैंने यहाँ मनु के लिए है काले वाले, या किशमिश लिए हैं। और यही कप से मैंने डेढ़ कप तक मैदा लिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ ये जो चीनी ली है हमने, उसके अंदर हमने ये जो ऑयल लिया है ये पूरा ऑयल ऐड कर देंगे। आप केक की मेजरमेंट बिल्कुल इसी तरह से रखना तो आपका केक का रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। और हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। अगर आप बटर ले रहे हैं तो इसे मेल्ट कर कर लेना, और इसमें थोड़ी मेहनत लगती है जब तक कि शक्कर और जो हमने इसमें ऑयल या बटर डाला है वो इस तरह से होना चाहिए। इसको हमें बहुत अच्छी तरह एक ही साइड में फेंटते हुए इसका इस तरह से एक पतला सा इसका डो बना लेना है। बस इसी तरह हमें इसमें 4 से 5 मिनट आराम से लगते हैं। मुझे इसे फेंटते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए ये कितना मस्त हो गया है। ये देखिए बस इसी तरह से हमें चाहिए था, ये इस तरह फेंट लेंगे। और अगर आपका इस तरह से मेल्ट नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालें, यानी कि लगभग आधा कप हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे और आधा कप मैं बचा लूँगी। और दूध डाल के हमें इसे बिल्कुल एक साइड में इसे फेंट लेना है दूध का, और ये शक्कर और जो हमने ऑयल लिया है इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि हमारे जो शक्कर में अगर कोई लम्स भी हो तो वो भी मेल्ट हो जाए। बस इसी तरह से हमें इसे शक्कर को इसके अंदर डिजॉल्व कर देना है, और एक ही साइड में हमें इसे फेंटते जाना है। बस ये लगभग डन है। मेरी जो शुगर है मैंने ऑलरेडी इसे छान कर लिया था, इसमें कोई भी गाँट या कोई भी लम्स नहीं थे। आप भी हो सके तो इसमें फ्रेश शुगर ही इस्तेमाल करना। और उसके बाद हम इस पर एक चन्नी लगा देंगे, और उसके ऊपर जो हमने ये सूखा मैदा लिया है ये मेरे 1.5 कप है। अगर आपका मैदा कम ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। और इसी के अंदर मैं ये जो बेकिंग पाउडर हमने लिया है इसे एक टेबलस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रहे बेकिंग पाउडर अगर आप फ्रेश ही ले हो सके तो, और ये पैकेट वाला ही ले, खुला बेकिंग पाउडर मत लेना, उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी, और 1/4 टेबलस्पून है इस तरह का, ये 1/4 टेबलस्पून भरकर हमने इसमें मीठा सोडा जो नॉर्मली हमारे घरों में होता है बस वो मीठा सोडा हम इसमें ऐड कर देंगे, और इनको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। ये सब सूखी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं पहले जो है ये बैटर मैंने बताया था, सॉरी, इसमें हमें 1 टेबलस्पून तक वेनिला एसेंस, या आपको अगर इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस को ऐड किया है। और इसके बाद में जो ये ड्राई इंग्रीडियंट्स है मैदा, वो हम इसमें छान लेंगे। तो मैंने ये मैदा इसमें छान लिया है। अब हम इसे आहिस्ता से एक ही साइड में हमें इसे घुमा लेना है। पहले हमने इसमें 1/2 कप दूध का इस्तेमाल किया है, और जो बचा आधा कप जो दूध है वो हमें आगे लगेगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें दूध को ऐड करते जाना है। और हमने जो मैदा वो छान कर लिया है, इससे हमारा जो केक है वो काफ़ी फूला फूला सा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है।
आपको और कौन से केक देखने हैं मेरे चैनल पर। ऑलरेडी मैंने आइस केक की रेसिपी शेयर की हुई है, प्रीमिक्स की हुई है, और ये मैं सादा बच्चों को नॉर्मली खाने के लिए, आज बच्चों का मन था केक खाना इसलिए मैंने ये केक बनाया है। आप भी इसी तरह का केक क्रिसमस में बनाइए, आपकी छुट्टियों को इंजॉय कीजिए। बस इसी तरह से हमें इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। आप क्रिसमस में ये मेरा केक एक बार ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। बहुत झटपट बनने वाला और बहुत ही इजी बनने वाला ये केक है। बस इसी तरह से मैं ये थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करूँगी और मैं आपको बताऊँगी टोटल हमने इसमें कितना दूध इस्तेमाल किया है। जो पूरा 1 कप दूध है वो मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। अगर मुझे और दूध की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ये जो डो है वो बनाना है, आपको बिल्कुल ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना ऐसा करने से हमारी जो केक है वो नीचे दब जाएंगी। और मुझे इसमें और थोड़े दूध की ज़रूरत है ऐसा मुझे लग रहा है, मैं इसमें और थोड़ा दूध ऐड करूँगी। अगर आपके भी थोड़ा सा ड्राई है मैदा तो आप इसमें 1/2 कप से थोड़ा कम दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 कप लिया था पहले और ये इतना कप, 1/2 कप से थोड़ा नीचे है ये, बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी और हम इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगभग टोटल इसमें मुझे 1/4 कप के करीब दूध लगा है, आपके साथ भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर बस है तो आपके लिए उतना 1 कप दूध काफ़ी है, और अगर आपको लगे कि अपना आपका जो बैटर है केक का वो ठीक है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया अभी। वो मैदे की क्वालिटी के ऊपर भी होता है, कोई मैदा ज़्यादा सोक करता है, कोई मैदा कम सोक करता है। देखिए मैंने जो 1/4 कप दूध लिया था वो मुझे पूरा इसमें, मैंने फिर भी थोड़ा इसमें 1 से 2 टेबलस्पून बचा लिया है, और बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे ऐड करती जाऊँगी और मिलाते जाऊँगी। आपको भी बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ताकि आपकी जो केक है वो काफ़ी फूली फूली सी बने। तो देखिए मुझे इसमें पूरा जो मैंने 1/4 कप दूध लिया था वो पूरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मुझे 1/4 कप दूध लगा है। मैंने आपको पहले बताया है दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे मैदे के ऊपर डिपेंड होता है। बस इसी तरह का बैटर मुझे चाहिए। और ये जो विनेगर लिया है मैंने, ये बिल्कुल 1 टेबल 2 टेबलस्पून जो चाय के टेबलस्पून होते हैं बस उसी टेबलस्पून में हम ये 1 और ये 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें विनेगर ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम फिर से मिक्स कर देंगे। एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ये बात का आप खास ध्यान रखिए। और जो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है हम वो बचा लेंगे जो हम गार्निशिंग में मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिए थे। और इसको हम अच्छी तरह से केक के बैटर में मिलाते जाएंगे। अब देखिए हमारा केक ये बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, तो आप ये केक को एक बार ज़रूर ट्राई करना। हम बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसमें मिक्स कर दिया है और हमें ये बैटर मिक्स करने के बाद बिल्कुल रुकना नहीं है, इसीलिए हमने जो पहले केक के टीन को तैयार करके रखा था ताकि हमें ज़्यादा वक्त ना लगे, इसलिए ही हमने ये केक का जो बैटर है इस तरह का केक के बैटर हमें इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए ये केक टिन में मैंने पूरा बैटर को अच्छी तरह से भर लिया है और हमें इसे 8 से 10 बार इस तरह से टैप कर लेना है ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना हो। अगर आपने टैप नहीं किया और एयर बबल जो है वो अंदर ही रह गए तो आपके केक में बेक होने के बाद बड़े बड़े गड्ढे से दिखेंगे जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, तो हमें ये स्टेप ज़रूर से करना है। तो देखिए मैंने एक भगोना ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने इस तरह की एक रिंग लगा दी है और भगोना जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है। अब मैंने ये जो हमने केक टिन लिया है अब हम बिल्कुल आहिस्ता से और बिल्कुल सावधानी से इसके अंदर रख देंगे
और हाँ, हमें इसमें जो ऊपर से गार्निशिंग करनी है वो 10 मिनट तक हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अगर हम इसमें अभी मिलाते हैं तो ये फूलने के बाद हमारे जो ड्राई फ्रूट जो गार्निशिंग है वो नीचे चले जाते हैं। जब इसको बेक करते हुए 10 से 12 मिनट हो जाएंगे, हम इसमें खोलकर फिर वो गार्निशिंग ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, अभी हमें इसे 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोलना है, लगभग 15 मिनट तो बिल्कुल ही नहीं खोलना है इसे। माशाल्लाह ये केक बेक होते हुए मेरे 15 मिनट हो गए हैं और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा फूला फूला है। बस ये हमें अभी इसे गार्निश करना है, ताकि हम अगर पहले करते तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पूरे नीचे चले जाते तले में। बस डेकोरेशन बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जिस तरह की डेकोरेशन पसंद है आप उस तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने इसे कुछ टूटी फूटी और कुछ चेरी से इसको डेकोरेशन कर दिया है। मैंने इसे पहले 15 मिनट बेक किया था, अब मैं इसे और 20 मिनट तक बेक करूंगी। लगभग मैं इसे 45 मिनट बेक करूंगी, फिर मैं बाद में चेक कर लूंगी, कम ज्यादा आप हो वक्त हो सकता है। अभी इसे 15 मिनट और 20 से 25 मिनट, ऐसे मेरे पूरे 45 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के बाद ही चेक करके देखूंगी। तो देखिए माशाल्लाह इसको बेक करते हुए मेरे 45 मिनट हो गए हैं और हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। ये मेरा केक देखिए कितना मस्त पूरी तरह से बेक हुआ है। अब मैं इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी, फिर हम इसे काट कर देखेंगे। मुझे बेक करने में 45 मिनट लगे हैं, हो सकता है आपको 5 से 10 मिनट कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप इसमें एक बार नाइफ डालकर ज़रूर देखना, अगर आपकी नाइफ साफ आई तो आप उसे बंद कर देना, अगर थोड़ी सी चिपचिपी सी हमें ऐसी लगी तो आप इसे और 5 मिनट बेक कर सकते हैं। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए पूरी तरह से ठंडा कर दूंगी, फिर इसे हम निकालेंगे। आप गरम गरम केक बिल्कुल मत निकालिए वरना ये टूट जाता है। तो देखिए कितना मस्त और कितना सॉफ्ट सा हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सा है ये केक। क्रिसमस में आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना कि आपको मेरे ये केक की रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी दुआओं में मुझे भी याद रखना, अपना खूब सारा ख्याल रखना। मैं आपको कट करके बताती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत गर्म है, लेकिन इसकी खुशबू से मेरे बच्चों को बिल्कुल सब्र नहीं था, इसलिए मैंने इसे जल्दी से काट लिया है। तो आप इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। और ये देखिए ये केक जो है वो कितना मज़े का और कितना जालीदार सा ये केक है, कितना नरम ये केक है, आप देख सकते हैं। बस इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, खुश रहिए। आपकी दुआ में मुझे भी याद रखना। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।